नहीं आपकी पार्टी से हो गया है बैठ गई आदरणीय अध्यक्षा जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जिस धैर्य के साथ आपने सदन का संचालन किया है यह अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण शक्ति का परिचायक है भले टीडीपी के माध्यम से ये प्रस्ताव आया हो लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बातें कही हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए बात कही है मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब इस प्रस्ताव को खारिज करें और हम सब 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत के साथ बनी हुई सरकार को जिस गति से काम किया है उस पर फिर से एक बार विश्वास प्रकट करें वैसे मैं समझता हूं ये एक अच्छा मौका है कि हमें तो अपनी बात कहने का मौका मिल नहीं रहा है लेकिन देश को यह भी चेहरा देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मकता है कैसा विकास के प्रति विरोध का भाव है कैसे कैसे नकारात्मक राजनीति ने कुछ लोगों को घेर के रखा हुआ है और उन सब का चेहरा निखर करके सज धज करके बाहर आया है कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों न संख्या है न सदन में बहुमत है और फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया क्यों गया और सरकार को गिराने की इतना ही उतावलापन था तो मैं हैरान था कि सामने इसको 48 घंटे रोक दिया जाए चर्चा की जल्दी जरूरत नहीं है अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा क्या भूकंप आ जाएगा क्या न जाने अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी 48 घंटे और देर कर दो तो फिर लाए क्यों और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही है वो भी इस बात को बताती है कि उनकी क्या कठिनाई है न मांझी न रहबर न मांझी न रहबर न हक में हवाएं न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है
कभी तो लगता है कि ये सारे जो भाषण मैं सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ और आप सुबह तो मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो, उठा सकता है ना बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? और यह अहंकार ही है जो कहता है कि हम खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खड़ा भी हूं और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। हमारी सोच उनसे अलग है। हमने तो सीखा है सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ा। खैर, मैं सार ग्रहण करने के लिए काफी कोशिश कर रहा था लेकिन आज मिला नहीं। डंके की चोट पर अहंकार ये कहलाता है। 2019 में पावर में आने नहीं देंगे। जो लोगों में विश्वास नहीं करते और खुद को ही भाग्य विधाता मानते हैं, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भाग्य विधाता होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है। अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरों की ढेर सारी ख्वाहिश है, उनका क्या होगा, इस बारे में कंफ्यूजन है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। मैं ही प्रधान बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा के सपने पर और दर भी थोड़े मोहर लगा दें, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। आपसे मिले इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है, कहीं बिखर न जाए इसकी चिंता पड़ी।
एक मोदी को हटाने के लिए जिसके साथ कभी देखने का संबंध नहीं, मिलने का संबंध नहीं, ऐसी धरियों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। मेरी कांग्रेस के साथियों के सलाह कि जब भी अगर आपको अपने संभावित साथियों की परीक्षा लेनी है तो जरूर लीजिए, लेकिन कम से कम अविश्वास का प्रस्ताव का तो बहाना न बनाइए। जितना अविश्वास वो सरकार पर करती है, कम से कम उतना विश्वास अपने संभावित साथियों पर तो करिए। हम यहां इसलिए हैं कि हमारे पास संख्या बल है, हम यहां इसलिए हैं कि 125 करोड़ देशवासियों के हमें आशीर्वाद है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के मन पर, देशवासियों के दिए आशीर्वाद पर नॉट अगेन, कम से कम अविश्वास न करें। बिना तुष्टिकरण किए, बिना वोट बैंक की राजनीति किए, सबका साथ सबका विकास ये मंत्र पर हम काम करते रहे। पिछले 4 वर्ष में उस वर्ग और क्षेत्र में काम नॉट लाइक दिस प्लीज, जिसके पास चमक धमक नहीं, प्लीज प्लीज ये मत करें।